हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट्स विंग्स और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा एक इवेंट के बारे में, जो है एग्री वेंचर। ये इवेंट 1 अक्टूबर को है। इसको एमिटी यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी AIOA एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एकेडमिक क्लब ऑर्गेनाइज करवा रहा है। इस इवेंट में बेसिकली 2 राउंड्स हैं। 1st राउंड एग्रीकल्चर क्विज, इसमें आपको इवेंट दिन लाइव क्वेश्चंस दिए जाएंगे स्क्रीन पे और आपको उसका आंसर करना होगा। और जो 2nd राउंड है वो है एग्री इमोजी। इसमें बेसिकली इमोजीज के फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड और आपको सही आंसर उसका गेस करना होगा। इस इवेंट्स के 3 विनर्स होंगे और तीनों विनर्स को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो 1st विनर होगा उसको 1 मंथ का हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन भी। और इस इवेंट का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 25 रुपीज़ है। जो 2nd इवेंट है वो है एप्टीबस 3। बेसिकली एप्टीबस 3 एक एप्टीट्यूड क्विज है जो कि 10 अक्टूबर को होगा। इसमें 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको 40 मिनट मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। क्विज का सिलेबस आप जैसे रजिस्टर करोगे उसके साथ ही आपको भेज दिया जाएगा। तो जो बच्चे ICR, BHU, IBPS, SWATs और भी किसी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस इवेंट के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है ₹20। तो इस इवेंट का जो लिंक है, मतलब ये जो 2 इवेंट्स हैं एग्री वेंचर और एप्टीबस 3, इन दोनों का जो इवेंट का रजिस्ट्रेशन लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हो। और अगर किसी को इन इवेंट्स के बारे में डिटेल में और जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं जो इवेंट की प्रॉपर डिटेल्स हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विंग्स और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले विंग्स क्या होता है। विंग्स जो होता है इंसेक्ट्स में वो एक लोकोमोटिव ऑर्गन है जो कि इंसेक्ट के थोरेक्स रीजन में पाया जाता है। ठीक है, विंग्स जो होता है हर इंसेक्ट्स में 2 पेयर में प्रेजेंट होता है और थोरेक्स के जो रीजन है मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, वहाँ पे 1-1 पेयर विंग्स पाया जाता है एक्सेप्ट सिल्वरफिश। सिल्वरफिश एक ऐसा इंसेक्ट है जिनमें 2 पेयर ऑफ विंग्स नहीं होते हैं। इवन मतलब कहने का है कि उनमें विंग्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो जो क्लास इंसेक्टा है वो इनवर्टिब्रेट का एक सिंगल क्लास है जिनके जो मेम्बर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके पास विंग्स होता है और वो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ठीक है, और जो विंग्स है सिर्फ एडल्ट्स इंसेक्ट्स में ही पाया जाता है और जो इमैच्योर इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास वो विंग्स जो है पैड्स के फॉर्म में पाया जाता है। विंग्स जो है थोरेसिक, जो थोरेक्स है इंसेक्ट का, थोरेसिक पार्ट से जुड़ा होता है थोरेसिक फ्लाइट मसल्स के साथ। ठीक है, जो विंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है उनके क्या, इंट्यूगमेंट्स का, बॉडी वॉल का। ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर जो एकदम सिमिलर होता है कैसा, इंट्यूगमेंट्स की तरह। जो विंग्स हैं उन्हें बहुत सारे ट्रैकिया पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो कि विंग्स में जो सर्कुलेशन है एयर का एंड ब्लड का सर्कुलेशन है, यानी हिमोलिम का जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, जो ये जो विंग्स हैं उनमें जो वेन्स हैं जिनके थ्रू ये सर्कुलेशन हो रहा है उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विंग वेनेशन। ठीक है, जो विंग वेनेशन है वो डिपेंड करता है कि वो इंसेक्ट कौन सा है, लेकिन विंग वेनेशन का जो अरेंजमेंट है, मतलब जो सबसे पहला जो एंटीरियर साइड पे होगा यानी जो हेड की तरफ जो विंग का जो साइड होगा वहाँ पे जो वेन होगा उसका नाम, उसके नीचे जो वेन होगा उसका नाम, वो सारा फिक्स्ड होता है। ठीक है, मतलब विंग टू विंग चेंज नहीं करेगा, विंग का जो डिज़ाइन है शेप है वो चेंज करता है लेकिन जो उनके वेन का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है जो विंग में जो सबसे ऊपर वाला वेन पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है सब कॉस्टा, उसके नीचे आता है रेडियस, उसके नीचे आता है मीडियन, उसके नीचे आता है क्यूबाइटस और उसके नीचे आता है एनल वेन्स। ठीक है, तो ये जो है विंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब विंग्स में क्या होते हैं, वेन्स होते हैं और उनका स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंग वेनेशन। और ये जितने वेन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट वेन्स से, उस वेन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वेन्स कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि विंग्स इंसेक्ट का विंग क्या होता है, विंग में वेरिएशन पाए जाते हैं और विंग का जो बेसिकली जो हम शेप देखते हैं वो ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम स्पेसिफिक ट्रायंगल की तरह, ट्रायंगुलर मतलब उनके 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे। ठीक है, और जो ये वेन्स हैं वो डिफरेंट जगह पे क्या करते हैं, वेन्स जो हैं स्पेसिफिक एरिया को बाउंड करते हैं, स्पेसिफिक एरिया को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उन्हीं एरियाज़ को हम किसी किसी इंसेक्ट में देखते हैं डार्क कलर्ड में और किसी किसी इंसेक्ट में देखते हैं लाइट कलर्ड में। तो जिन इंसेक्ट में ये कलर जो डार्क दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोस्टिग्मा। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वो इसमें हम डायग्राम से पहले चीज़ें देख लेते हैं कि एक इंसेक्ट का जो विंग होता है उसमें हम विंग का जो डिफरेंट रीजन है उसको किस तरीके से कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पहला जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो इंसेक्ट का बॉडी है ये, ठीक है। ऊपर वाली साइड पे हेड है और नीचे वाली साइड पे उसका क्या हो गया, एनल साइड हो गया। तो हेड की साइड वाला जो विंग है, जो आगे वाला फोर विंग हम देख रहे हैं, इसमें ये जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टल मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनल मार्जिन। और जो बॉडी से जस्ट ऑपोजिट साइड जो मार्जिन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल मार्जिन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो एंगल होता है कॉस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच में उसको हम लोग एपिकल एंगल कहते हैं। और जो एनल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनल एंगल कहते हैं। तो ये बेसिक सा जो जो अरेंजमेंट है इसको हमेशा याद रखना, कॉस्टल मार्जिन, एपिकल मार्जिन और एनल मार्जिन। और ये जो दूसरा डायग्राम है इसमें मैंने दिखाया है कि जो एरिया जो इंसेक्ट के बॉडी की तरफ होता है विंग का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेमिजियम, ठीक है। और जो इंसेक्ट के बॉडी के ऑपोजिट साइड होता है यानी उसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा कौन सा साइड, इंसेक्ट के साइड वाले बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉक्सिमल। और ये जो दूर वाला साइड होता है उसको हम लोग डिस्टल बोलते हैं। तो जो विंग का जो डिस्टल एंड होता है उसको हम लोग वेनस बोलते हैं और प्रॉक्सिमल एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेमिजियम कहते हैं। तो जो एक इंसेक्ट होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक तरह का ही विंग पाया जाए, उसमें बहुत तरीके के विंग्स पाए जा सकते हैं, मतलब विंग के मॉडिफिकेशंस उसमें डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है जो वन पेयर ऑफ विंग में जो टू पेयर ऑफ विंग में एक पेयर हो दूसरे टाइप का हो, और जो सेकंड जो टाइप का हो वो जो सेकंड विंग हो दूसरे टाइप का हो। और जो विंग जो एंगल फॉर्म करता है इंसेक्ट के बॉडी के साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरल एंगल, ठीक है। तो ये हो गया विंग के बेसिक्स के बारे में, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विंग के मॉडिफिकेशंस। तो इंसेक्ट में जो विंग है वो डिफरेंट उनके लाइफस्टाइल के बेसिस पे मॉडिफाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल टेगमिना, इलाइट्रा, हेम इलाइट्रा, हेल्टर्स, हैम्यूली, फ्रेनुलम, मेम्ब्रेनस एंड स्केल्स। तो बेसिकली जो विंग का मॉडिफिकेशन है वो 8 टाइप का है। अब इन मॉडिफिकेशंस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, डिटेल पढ़ लेते हैं कैसा होता है। तो जो पहला मैंने जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया है ये है टेगमिना, ठीक है। टेगमिना बेसिकली ग्रास हॉपर और कॉकरोच में पाया जाता है। और टेगमिना जो है विंग का जो फोर विंग होता है यानी आगे जो मेसोथोरैक्स पे प्रेजेंट होता है उसका मॉडिफिकेशन है। और जो टेगमिना है बेसिकली हम लोग जो फोर विंग जब लेदरी हो जाता है ना, लेदर यानी थोड़ा सा मोटा टाइप, ठीक है, उस ऐसे विंग को हम लोग क्या कहते हैं, टेगमिना कहते हैं। ये पाया जाता है अपने ऑर्डर, इंसेक्ट का जो ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा, ब्लैटारिया, ऑर्थोप्टेरा मतलब ग्रास हॉपर, ठीक है, उसी उस ऑर्डर का है, ब्लैटारिया मतलब कॉकरोच, ठीक है। तो जो टेगमिना है वो ग्रास हॉपर कॉकरोच में पाया जाता है और ये लेदरी विंग्स को हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो इसके नीचे वाला यानी जो हाइंड विंग होता है जिसके वजह से कॉकरोच क्या करता है, जो उड़ता है उसको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। मतलब मेन फंक्शन ऑफ टेगमिना क्या है, टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट हाइंड विंग, ठीक है। जो सेकेंड है वो है हमारा इलाइट्रा, ये रहा उसका सेकंड डायग्राम। तो आप ये वाला जो विंग देख रहे हो ये क्या है, इसका फोर विंग है और ये जो है हाइंड विंग है, ठीक है। तो एलाइट्रा जो है सारे बिटल्स में पाया जाता है और ये हाईली स्क्लेरोटाइज्ड होता है, हार्ड होता है, ठीक है, और रिजिड होता है। मतलब इसका हम देख ही रहे हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है कैसा है, बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड है और रिजिड है। तो ये क्या करता है, ये भी प्रोटेक्शन ही करता है। लेकिन इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन का कब है और किसको प्रोटेक्ट करता है, उसके हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करता है। और इसका मेन प्रोटेक्शन का फंक्शन कब है, जब इंसेक्ट रेस्टिंग फेज में होता है यानी फ्लाइट के टाइम पे नहीं, जब वो इंसेक्ट बैठा होता है कहीं पे, तो उसके बॉडी को कवर कर लेता है कौन, इलाइट्रा। और ये कहाँ पाया जाता है, बिटल्स में यानी कॉलिप्टेरा जो ऑर्डर है उसमें पाया जाएगा। थर्ड जो है हेम इलाइट्रा यानी ये बग्स में पाया जाता है, बग्स इस जितने तरीके बग्स होते हैं सब में पाया जाता है। ये क्या है, इलाइट्रा का ही आधा फॉर्म है। आधा फॉर्म इसको क्यों कह रहे हैं कि ये स्लाइटली डिफरेंट है इलाइट्रा से। इलाइट्रा क्या था, कम्प्लीटली हार्ड था, स्क्लेरोटाइज था। इसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट से जस्ट जो अटैच पार्ट है, ये देखो इसका डायग्राम थर्ड, ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें जो इंसेक्ट से जो बॉडी से जो अटैच पार्ट है विंग का वो ज़्यादा स्क्लेरोटाइज होता है, अनस्क्लेरोटाइज होता है। और ये जो दूर वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा स्क्लेरोटाइज हो जाता है। कहने का मतलब है कि ओनली 2/3 पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फोर विंग, ये भी क्या है, फोर विंग का मॉडिफिकेशन है। तो जो 2/3 पार्ट होता है प्रॉक्सिमल पार्ट जो फोर विंग का वो हार्ड होता है और जो पीछे का 1/3 होता है वो मेम्ब्रेनस रह जाता है। तो इसमें आधा आधा कैरेक्टर है किसका, इलाइट्रा का, इसीलिए इसको हम लोग हेम इलाइट्रा कहते हैं। ये बता दिया मैंने किस में पाया जाता है, बग्स में। और ये जो हेम इलाइट्रा टाइप का जो विंग है वो बेसिकली हेल्प करता है फ्लाइट में, ठीक है। और एग्जांपल तो मैंने बता दिया बग्स, और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है हेमिप्टेरा, ठीक है।
अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा हेल्टर्स, ठीक है। हेल्टर्स बेसिकली फ्लाइज में पाया जाता है, और फ्लाइज में ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, शायद यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो विंग है उसके नीचे एक छोटा सा देख रहे होगे, ठीक है। ये दो साइड जो छोटा छोटा निकला हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्टर्स कहते हैं। हेल्टर्स बेसिकली है क्या, ये रूमिनेंट फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, किसका, विंग्स का। और कौन से विंग, जो पीछे वाला यानी हाइंड विंग जो होता है उसमें वो डेवलप नहीं हो पाता है इंसेक्ट्स में। हेल्टर्स जो है विंग का, जो हाइंड विंग है उसका क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये सारे तरह के फ्लाइज में पाया जाता है, डिप्टेरा में, मतलब ऑर्डर जो है उसका डिप्टेरा है। तो ये जो विंग्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंग पैड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये बॉडी को बैलेंस करता है, और जब ये इंसेक्ट उड़ता होता है तो उनको प्रॉपर डायरेक्शन देने में हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ है वो है हैम्यूली। हैम्यूली बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, दोनों विंग्स यानी फोर विंग्स और हाइंड विंग्स दोनों को क्या करना, बाइंड करके रखना। ये रहा इसका डायग्राम, देखो इमेज जो है ये वाला, ये देखो यहाँ पे शायद इसमें दिख नहीं पाया, लेकिन इसका पोजीशन बस दिखाने का मतलब है मेरा कि यहाँ पे होता है जो ये हनी बी है, इनके फोर विंग और हाइंड विंग को एक साथ अटैच रखने का, यानी सिंक्रोनस फंक्शन करे, इसलिए ये हैम्यूली हेल्प करता है। तो होता क्या है इसमें, हैम्यूली क्या है, हुक्स आर प्रेजेंट इन दी फ्रंट एज ऑफ हाइंड विंग, मतलब हाइंड विंग जो पीछे वाला विंग है उसके फ्रंट साइड पे क्या होता है, हुक प्रेजेंट होता है, जो कि आगे वाले यानी फोर विंग के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और उसको साथ साथ ही मूव कराता है। जब फोर विंग आगे का जब हिलता है तो पीछे वाला हाइंड विंग भी क्या करता है, साथ साथ हिलता है। तो ये सिंक्रोनस, मतलब कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे है तो इनके पास चार विंग, लेकिन ये कैसे फंक्शनल कैसे हो जाते हैं, टू विंग्स के फॉर्म में, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हैम्यूली। हैम्यूली बेसिकली क्या है कि ये सिमिलर है एकदम किसके, सॉरी जो फिफ्थ है, सिक्स्थ है हमारा, वो है फ्रेनुलम, जो कि बेसिकली हैम्यूली की तरह ही है, ठीक है। इसमें बेसिकल डिफरेंस क्या है कि ये पाया जाता है हमारा हनी बी का जो ऑर्डर है उसमें, और फ्रेनुलम जो है वो लैपिडोप्टेरा यानी बटरफ्लाइज के ऑर्डर में पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन एकदम सेम है, इनमें भी हुक्स पाया जाता है जो कि फोर विंग और हाइंड विंग के सिंक्रोनस एक्टिविटी में हेल्प करता है, ठीक है। ये रहा इसका डायग्राम, हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे इस वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये फोर विंग और हाइंड विंग को साथ साथ मूवमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है वो है मेम्ब्रेनस विंग्स। ये हमने सबने देखा हुआ है, ये जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, ये जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात किया था ना, ब्लैक स्पॉट, जो ब्लैक स्पॉट के बारे में बात कर रहा था, यही वो ब्लैक स्पॉट है जिसको मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अभी बताया था आप लोगों को। ये देखो, एक मिनट, यहाँ बताया था मैंने पेट्रोस्टिग्मा, ठीक है। तो ये जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उनके विंग्स में यानी मेम्ब्रेनस विंग्स में हम देख सकते हैं इसको, ईजिली ये दिख जाएगा। तो जो ब्लैक पार्ट है ना, एक ये जो विंग वेनेशन के वजह से जो एरिया कवर्ड हुआ है, इसको हम लोग पेट्रोस्टिग्मा कहते हैं। हाँ, तो आते हैं अपने हम टॉपिक पे, मेम्ब्रेनस विंग्स। ये बेसिकली हमने सबने देखा होगा कि जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, ठीक है, यानी जिनको हम तितली कहते हैं, ठीक है, इसमें इनका जो विंग्स होता है बहुत ही क्या होता है, पतला होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। किसी किसी इंसेक्ट में क्या होता है, ये डार्क कलर्ड भी होता है। इसका एग्जांपल क्या है, ड्रैगन फ्लाइज, फ्लाइज, बिटल्स, टर्माइट्स, ठीक है। और जो हमारा लास्ट है वो होता है स्केल्स। बेसिकली स्केल्स क्या है, ये कलरफुल पिगमेंट होता है इसके अंदर में, तो यानी डिफरेंट इंसेक्ट्स के ऊपर क्या करता है, उनके विंग्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है। इसका तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बटरफ्लाइज, ठीक है। और ये बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन क्या है, कलर देना, कोई प्रोटेक्शन का फंक्शन नहीं है, और इनको फ्लाइट में हेल्प करता है। और आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है विंग कपलिंग, ठीक है। विंग कपलिंग क्या है, एक फिनोमेना है। इसमें क्या होता है, जो हायर टेरिगोट्स होते हैं, ठीक है, उनमें हुक्स प्रेजेंट होता है जो कि होल्ड करने में हेल्प करता है फोर विंग्स और हाइंड विंग्स को साथ साथ, ठीक है, किस टाइम, उड़ने में, ठीक है। मतलब फोर विंग और हाइंड विंग जो है साथ साथ उड़े, तो विंग कपलिंग मैकेनिज्म जो है वो सारे इंसेक्ट्स में नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स में क्या है, किसी में हाइंड विंग है नहीं, किसी में है। तो बेसिकली जो विंग कपलिंग है वो मैकेनिज्म है, और वो हायर टेरिकोट्स में पाया जाता है जिनमें विंग्स जो क्या हो, प्रॉपर डेवलप्ड हो, ठीक है। ये क्या करता है, इसका मतलब विंग कपलिंग का जो हमारा एडवांटेज क्या है, कि ये इंसेक्ट का जो विंग है उसको मॉर्फोलॉजिकली क्या, टू पेयर्स दिखाता है। मतलब दिखने में तो टू पेयर्स यानी चार विंग्स होते हैं, लेकिन फंक्शनली अगर बात करें तो एक पेयर की तरह काम करता है, यानी दो ही विंग्स होते हैं। एक साइड जो दो विंग्स है वो एक जैसे काम करने लग जाते हैं, और दूसरे साइड जो दो विंग्स है वो एक साथ जैसे काम करने लग जाते हैं। इनमें भी अगर हम बात करें, विंग कपलिंग जो मैकेनिज्म है वो भी तीन टाइप का होता है, हैम्यूलेट, एम्प्लेक्सीफॉर्म और फ्रेनेट।
इनके बारे में हम डिटेल नहीं जाएंगे, इतना डिटेल हम अभी पढ़ना भी नहीं है, लेकिन हेम्यूलेट क्या होता है, जो भी हेम्यूली में हमने पढ़ा था हनी बीज में, ठीक है। एम्प्लेक्सी फॉर्म क्या होता है, सिंपल फॉर्म होता है किसका, विंग कपलिंग का, जिसमें हमने जैसे बटरफ्लाइज में देखा ना, बटरफ्लाइज में भी उनकी विंग्स हम देखते हैं कि जो फोर विंग है और हाइंड विंग है एक साथ मूव करता है, तो इनमें बहुत ही लाइट स्लाइट जो है, बहुत छोटा सा क्या होता है, हुक प्रेजेंट होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो ये एग्जांपल हो गया बटरफ्लाइज में एम्प्लेक्सी फॉर्म। और जो थर्ड है फ्रेनेट, ये मॉथ्स में पाया जाता है, फीमेल में अलग होता है और मेल में अलग होता है। तो बेसिकली विंग कपलिंग क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है, हुक्स प्रेजेंट होते हैं फोर विंग और हाइंड विंग को सिंक्रोनस एक्टिविटी में काम करने के लिए। तो आई होप आज का लेक्चर क्लियर है सबको और चीज़ें सारी समझ में आ गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अगर किसी को इस लेक्चर में दिक्कत है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर पूछ सकता है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ लो, कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो। और अगर किसी को इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो नीचे दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you.